प्रदेश भाजपा के प्रभारी और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अविनाश राय खन्ना मंगलवार को 4 दिवसीय प्रदेश दौरे पर जयपुर पहुंचे। इस दौरान खन्ना ने दौसा लोकसभा सीट पर फंसे पेच पर कहा कि पार्टी में किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है और जल्द ही यहां से टिकट की घोषणा की जाएगी। खन्ना ने कहा कि पार्टी एकजुट है। उन्होंने दावा किया है कि प्रदेश में एक बार फिर से 25 सीटें जीतेंगे। RLP से गठबंधन पर कहा कि इससे तो हनुमान बेनीवाल और भाजपा दोनों मजबूत होंगे। हमारे संवाददाता पिंटू सिंह नरूका ने की खास बातचीत। परवान पे चढ़ चुका है, तमाम जो बड़े नेता हैं वो प्रदेश के प्रवास करके बीजेपी को मजबूत करने का काम कर रहे हैं और इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं प्रदेश भाजपा के प्रभारी और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अविनाश राय खन्ना जी। खन्ना जी, जब आपने पहली सूची जारी करी 16 प्रत्याशियों की, उसके बाद से लगातार आपके प्रत्याशियों के चयन में एक बाधा दिखी या एक कहीं ना कहीं माथापच्ची नजर आई, लेकिन वो माथापच्ची कम नहीं हुई है। आपने अभी हाल ही में बाकी कुछ प्रत्याशियों की घोषणा कर दी, लेकिन 200 पे पेच फंसा हुआ है। आपको नहीं लगता है कि इस प्रकार से 25 की 25 कांग्रेस ने प्रत्याशी घोषित कर दिया और आपके 200 एक सीट पर नहीं आया, तो आप जैसे ही प्रत्याशी घोषित करेंगे तो कहीं ना कहीं एक नेगेटिव मैसेज आ रहा है दोसा लोकसभा क्षेत्र में, गुटबाजी हो रही है, क्यों इतनी देरी हो पा रही है? देखिए, प्रत्याशियों को घोषित करना एक प्रक्रिया है। पहले तो यहाँ पर जो चुनाव है 2 फेज में है, अभी फेजेस दूर हैं। एक फेज का नॉमिनेशन ऑलमोस्ट खत्म हो गया है, दूसरे का शुरू होना है। भारतीय जनता पार्टी एक, मैंने जैसे पहले कहा कि एक कार्यकर्ता भी इस पार्टी है, हम जो भी निर्णय लेते हैं कार्यकर्ता को ऑन बोर्ड लेके निर्णय लेते हैं। दौसा की सीट अभी हमने अनाउंस नहीं की और लगता है कि आज उसका निर्णय हो जाएगा आजकल में, और जो सर्व सहमति से ही कार्यकर्ता पार्टी का प्रत्याशी हम देंगे और जिसकी घोषणा होगी कार्यकर्ता उसके लिए ही काम करेंगे। आपने देखा जैसे ही 23 सीटें हमने अनाउंस की, बेनीवाल से हमने समझौता करके 1 सीट रोक दी, कहीं भी किसी तरह की कोई भी प्रतिक्रिया पार्टी के खिलाफ किसी कार्यकर्ता ने नहीं दी, सब कार्यकर्ता काम पे लगे हैं। जब भी लगातार कहते हैं कि प्रत्याशी का चयन तब किया जाता है और सबसे महत्वपूर्ण प्राथमिकता होती है विनिंग, जो भी विनिंग कैंडिडेट होता है उसी को टिकट दिया जाता है और यही इसका सबसे बड़ा क्राइट एरिया है, आप पहले भी विधानसभा चुनाव यही कहते थे। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा की बीजेपी में वापसी हुई और पूरे राजस्थान के कद्दावर नेता, लेकिन वो पार्टी को मजबूत नहीं कर पाए विधानसभा चुनाव में, तो क्या यही कारण है टिकट तय करने का कि किरोड़ी लाल को अब कहीं अहमियत नहीं दी जा रही है? किरोड़ी लाल मीणा पिछले कुछ दिनों से भाजपा मुख्यालय में भी नजर नहीं आ रहे हैं क्योंकि लोकसभा चुनाव है, तो कहीं ना कहीं दरकिनार उनको किया जा रहा है? पार्टी की तरफ से किसी भी कार्यकर्ता को दरकिनार नहीं किया जाता, उसका पूरा जथा संभव उपयोग लिया जाता है। किरोड़ी लाल जी हमारे नेता हैं, नेता रहेंगे भी, उन्होंने चुनाव में काम किया है, अब भी करेंगे। एक सवाल हनुमान बेनीवाल, पिछले 10 सालों से लगातार बीजेपी के खिलाफ बोलते रहे हैं और नागौर से आपने उनके साथ गठबंधन किया है, हालांकि जब जिस दिन गठबंधन हुआ मुख्यमंत्री वसुंधरा, जो पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी जयपुर में थी, लेकिन वो यहाँ पर नहीं पहुँचे भाजपा मुख्यालय में जब आपका गठबंधन हुआ, और वो लगातार वसुंधरा राजे को भी कोसते रहे और नागौर में जो आपके 2 मंत्री थे गजेंद्र सिंह किशोर चाहे यूनुस खान, उनको लगातार वो उन काफ़ी मामले उनके सामने आए, लगातार बयान देते रहते थे, आपको लगता है कि इसका क्या असर रहेगा? क्योंकि किरोड़ी लाल मीणा के साथ भी ये स्थिति थी, उन्होंने भाजपा को 10 साल लगातार कोसा और फिर जब उनका विलय हुआ तो पूरी राजस्थान में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। आपको नहीं लगता कि बेनीवाल को साथ लेने से जो आपके परंपरागत वोटर हैं या आपके जो दूसरे कार्यकर्ता हैं उनकी नाराजगी का खामियाजा आपको भुगतना पड़ सकता है? कभी भी कोई पार्टी, खासतौर पर मैं अपनी पार्टी की बात करूँ, कोई बातचीत करते हैं, किसी को लेते हैं, पार्टी का नुकसान करने के लिए नहीं लेते। फिर एक व्यक्ति निर्णय नहीं करता कि मेरा विश हुई, मेरी इच्छा हुई, मैं किसी को ले लूँ, सामूहिक फैसले होते हैं। वहाँ हो सकता है अपनी बातचीत रखने का हर बंदे का अलग अंदाज हो, लेकिन निर्णय सामूहिक होते हैं। सबसे बातचीत करके हमने उनके साथ जो निर्णय लिया है, बेनीवाल जी एक नेता हैं, उनका अपना एक इम्पैक्ट है, तो उनके आने से वो भी मजबूत होंगे, पार्टी भी मजबूत होगी। जो हमारा 400 प्लस का टारगेट है उसको, जो 25 की 25 का योगदान हम राजस्थान का चाहते हैं वो भी हम डालेंगे। कैमरा पर्सन विजयनाथ मिश्रा के साथ पिंटू सिंह नरूका, MTV जयपुर।